नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट वेदांत में। आज हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। जियो फाइनेंशियल सर्विस से जुड़ी हुई एक न्यूज़ आई है जो मार्केट क्लोज हुआ था उसके बाद में देखने को मिला। जैसे न्यूज़ में क्या लिखा है, तो इसमें जियो लीजिंग सर्विस सेंटर मतलब JLSL तो JLSL जो है 2.5 करोड़ ना इन्वेस्टमेंट की है और उससे 25 लाख क्वांटिटी ऑफ शेयर्स खरीदा गया है। और किसका शेयर्स खरीदा गया है, तो ये RIL मतलब रिलायंस इंटरनेशनल लीजिंग IFSC लिमिटेड से खरीदा गया है। मतलब 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट का कर इसका जो है इस कंपनी का इसमें 25 लाख क्वांटिटी ऑफ शेयर्स खरीदा गया है। और ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ये मार्केट क्लोज होने के बाद में हुआ था। ये कंपनी है क्या, तो मैं आपको बता दूं, जब जियो फाइनेंशियल सर्विस अलग हो रही थी तो इसमें ना दो कंपनियां हुई थी, RIL और एक था जियो फाइनेंशियल सर्विस। तो ये जो था 50-50 का एक वेंचर हुआ था। तो इसमें जो है ये RIL क्या करती है, किस लिए हुआ, तो इनका जो हेडक्वार्टर है वो गिफ्ट सिटी में है। और ये जो है ना लीज करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है, ऑपरेशन जो है वेसल का फाइनेंशियल प्रोवाइड करना हो गया, वॉल के जो कैरेक्टर्स हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो है, ये सब चीज़ें इनका देखने का काम है। तो ये चीज़ें जो है ना मंडे को मार्केट में देखने को मिल सकता है। अभी हम क्या कर सकते हैं, तो हमारा जो एक सपोर्ट एरिया है 342 का एक सपोर्ट एरिया है और हमारा जो एक रेजिस्टेंस एरिया है वो 360 का, ये दो एक एरिया है जहाँ पे एक मार्केट काफ़ी टाइम से एक फंसा कर रखा है। तो एक मंडे को जो है ना अगर 360 का एरिया क्रॉस कर देता है तो हमको 380-400 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि न्यूज़ आई है एक ब्रेकआउट मिल सकता है। अगर नहीं होता तो डाउन ट्रेंड में आ जाता है, जैसे निफ्टी का दबाव रहा तो अगर 342 कर तक आ गया और डाउन ट्रेंड तोड़ दिया तो फिर वहाँ हमको ना 320 रुपये तक का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। काफ़ी टाइम से यहाँ पे ना एक हर्डल बनाया जा रहा है, बाबा फंसाया जा रहा है, तो एक ट्रेंड जो है ना कभी भी डाउन साइड होने का प्रयास कर सकता है। तो एक सपोर्ट जो है आप याद रखिएगा 342 का है। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चैनल पर बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।